नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर की खेती कैसे की जाती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास साझा करने जा रहे हैं टमाटर की खेती से संबंधित। धरती पुत्रों के जहन में टमाटर की पैदावार को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे टमाटर की खेती क्या है, हाइब्रिड टमाटर की खेती कैसे कर सकते हैं, टमाटर की खेती कैसे करें और कब करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर होता क्या है। टमाटर आलू प्याज के बाद दुनिया भर में दूसरे नंबर की फसल मानी जाती है। इतना ही नहीं, भारत देश में हर रसोई घर में बनने वाले भोजन में टमाटर का इस्तेमाल होता है। भारत देश दुनिया में टमाटर उत्पादक व उपभोक्ता के में दूसरा स्थान रखता है। टमाटर का आप कच्चा या पका कर भी खा सकते हैं। बात करें इसमें विटामिन की, तो टमाटर में विटामिन ए सी, पोटेशियम और अन्य खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। टमाटर की पैदावार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होती है। बात पंजाब की करें तो यहाँ रोपड़, जालंधर, होशियारी और अमृतसर जिले शामिल हैं, जहाँ किसान टमाटर की पैदावार कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ इलाकों में भी टमाटर की पैदावार देखी जा सकती है। टमाटर की खेती के लिए कैसी हो मिट्टी। टमाटर एक ऐसी फसल है जो किसानों को अच्छी आमदनी दे सकती है, लेकिन इसके लिए किसानों को सही पैदावार के लिए मिट्टी की जानकारी होना बेहद जरूरी है। वैसे तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो अलग अलग मिट्टी में भी हो सकती है, जैसे रेतीली मिट्टी, चिकनी, दोमट, काली, लाल मिट्टी इत्यादि। इन मिट्टियों में पानी निकासी आसानी से हो जाती है, इसीलिए इन मिट्टियों में टमाटर की पैदावार की जा सकती है। किसान भाइयों को टमाटर की फसल उगाने से पहले इन बातों की जानकारी होनी भी काफ़ी ज़रूरी है। मिट्टी के पीएच मान 7 से 8.5 होनी चाहिए। अगेती फसल के लिए हल्की मिट्टी फायदेमंद हो सकती है। अच्छी तरह तैयार करनी होगी किसानों को जमीन। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को सबसे पहले जमीन की अच्छी प्रकार से जुताई करनी होगी। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किसान 4 से 5 बार खेत की जुताई करें। इसके बाद मिट्टी को समतल करें। मिट्टी के कीड़ों व जीवों को खत्म करने के लिए धूप अच्छी प्रकार से लगाएं। पारदर्शी पॉलीथीन का परत भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पॉलीथीन की परत सूरज की किरणों को सोखती है, जिससे खेत की मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और मिट्टी टमाटर की अच्छी फसल पैदावार को तैयार कर देता है। टमाटर में फसल की उर्वरक मात्रा। यदि किसान टमाटर की फसल पैदा करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस फसल में पोषक तत्वों की ज़रूरत अधिक होती है। खेती से पहले जब भी आप जुताई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर खेत में 25 से 30 गाड़ी गोबर की खाद को 3 सप्ताह पहले डालकर मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें। इस फसल में गोबर की खाद के अलावा रासायनिक खाद भी ज़रूरी होती है, इसलिए किसान खेतों में जुताई के समय नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की छिड़काव भी जरूर करें। किसान मार्च में टमाटर की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टमाटर की खेती में होने वाले बीमारियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सुरंगी कीड़ा के बारे में। यह सुरंगी कीड़ा टमाटर की फसल के पत्तों को खा जाते हैं, जिससे पत्तों में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। इसे खत्म करने के लिए किसान नीम सीर का पानी के इस्तेमाल का छिड़काव कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी टमाटर के पत्तों का सारा रस चूस लेती है, जिससे पत्ते में काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसे रोकने के लिए किसान जब नर्सरी में बिजाई करते हैं तो बैंड का 400 मैंस का नाइलोन जाल के साथ पतले सफ़ेद कपड़े से ढक दे। यह प्रक्रिया पौधे को सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाएगी। थ्रिप्स किट ज़्यादातर शुष्क मौसम में पाया जाता है। यह पत्तों का रस चूस लेता है, जिसके कारण पत्ते मूझ जाते हैं। इसको रोकने के लिए किसानों को वर्टिसिलियम लिकानी का प्रयोग पानी में मिलाकर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फल छेदक के बारे में। यह कीट टमाटर के लिए बेहद खतरनाक होता है। यदि इसे सही समय पर नहीं निकाला जाए तो टमाटर की फसल को 40% तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसे रोकने के लिए किसानों को नीम के पत्तों का घोल लगातार 20 दिनों तक करना होगा। अब हम बात करते हैं इसके सही सिंचाई के बारे में। किसान कब इसका सही सिंचाई कर सकते हैं टमाटर की खेती का। टमाटर की खेती में बात करें तो अगर सिंचाई करना है तो इसमें किसानों को सही संतुलन का ध्यान में रखना होगा। ज़्यादा सिंचाई टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है।
इसीलिए किसानों को शीत मौसम के दौरान 12 से 18 दिनों के अंतराल में टमाटर की फसलों में सिंचाई करनी चाहिए। जबकि बात अगर गर्मी की करें तो गर्मी के मौसम में किसानों को 5 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान ऐसे कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। टमाटर की खेती में खरपतवार की समस्या अधिक होती है। यदि किसानों के खेतों में खरपतवार की समस्या आ जाए तो इसे नियंत्रण करने के लिए लासो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण व पूर्व डालना चाहिए। वही रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टैम्प 1 kg आप प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान ऐसे कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। टमाटर की फसल में खरपतवार की समस्या अधिक होती है। यदि किसानों के खेतों में खरपतवार समस्या आ जाए तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वही रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टंप 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाए तो किसान टमाटर की फसल के खरपतवार नियंत्रण से निजात पा सकते हैं। इसके उपज भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, साथ ही ये कई तरह से फायदेमंद भी साबित हो सकता है। टमाटर के पौधे लगने के बाद 60 से 70 दिन में फसल मिलना शुरू हो जाएगा। जब खेत में टमाटर हल्के लाल रंग के हो जाए तो किसानों को तोड़ लेना चाहिए, जिसके बाद किसानों को टमाटर के आकार के अनुसार छटनी कर लेनी चाहिए। इन टमाटरों की ऐसी टोकरियां या बॉक्सों में रखनी चाहिए जिनसे हवा गुजरती रहे। लंबी दूरी तक टमाटरों को अगर ले जाना हो तो किसान भाई उन्हें ठंडा रखे ताकि ये खराब होने से बच सके। टमाटर के उत्पादन। टमाटर फसल के उत्पादन की बात करें तो अच्छी तरह से तैयार खेत में टमाटर की औसतन उपज 300 से 350 या 480 किलो हेक्टेयर तथा टमाटर की हाइब्रिड किस्मों की उपज 700 से 800 क्विंटल हेक्टेयर तक हो जाती है। अब हम बात करते हैं भूमि के बारे में। उचित जल निकासी वाले बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो। अब हम बात करते हैं टमाटर की किस्में के बारे में। इससे पूर्व में मैंने आपको देसी और हाइब्रिड के बारे में बताया है। अब हम आपको बताते हैं संकर किस्म की टमाटर। पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, अविनाश 2, रश्मि तथा निजी क्षेत्र में शक्तिमान, रेड गोल्ड 501, 2535, उत्सव, अविनाश, चमत्कार, यूएस 440 आदि, ये कई प्रकार के किस्में पाई जाती हैं। अब हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो एक हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उगाने के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु लगभग 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। अब हम इसके बुआई की बात करें तो वर्षा ऋतु के लिए जून से जुलाई तथा शीत ऋतु के लिए जनवरी फरवरी फसल सर्दी रहित क्षेत्रों में उगाई जानी चाहिए। अब हम इसके बुआई की बात करें तो वर्षा ऋतु के लिए जून जुलाई तथा शीत ऋतु के लिए जनवरी फरवरी फसल सर्दी रहित क्षेत्रों में उगाई जानी चाहिए तथा इसकी सर्दी से समुचित रक्षा करनी चाहिए। बीज उपचार। बुआई पूर्व थायरम मेटालिक से बीज उपचार करें ताकि अंकुरण पूर्व फफूंदी का आक्रमण से रोका जा सके। नर्सरी एवं रोपाई। नर्सरी में बुआई हेतु 13 मीटर की क्यारियां बनाकर फॉर्मल्डिहाइड तथा एस्टरलाइजेशन कर ले अथवा कार्बोफ्यूराइन 300 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलावे। बीजों को सही कार्बोडाइजिंग प्रति किलोग्राम के अनुसार से की उपचारित करें तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार के साथ बीजों की बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर की खाद से मिट्टी को ढक दें। हजारे की छिड़काव बीज उगने के बाद डाइमेथेन M45 की छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल में करें। 25 से 30 दिन बाद रोपण खेतों में उगाई जाने वाले कार्बोडाइजिम और ट्राई डर्मा के घोल में पौधे की जड़ों को 20 से 25 मिनट तक उपचारित करने के बाद ही रोपाई करें। पौधे के उचित खेत में 45 सेंटीमीटर की कतार की दूरी रखते हुए 60 सेंटीमीटर के फासले पर पौधे की रोपाई करें। मेरों पर चारों तरफ गेंदा की रोपाई करें। जबकि गेंदों के फूलों में अधिक अंडे होते हैं। उर्वरक का प्रयोग 20 से 25 मैट्रिक टन गोबर की खाद एवं 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम पोटास, बोरेक्स की कमी होने पर बोरेक्स 0.3% का छिड़काव करने से फसल अधिक लगते हैं। गर्मियों में 2 से 6 से 7 दिन के अंतराल में हल्की पानी देते रहें। अगर संभव हो तो कृषकों की सिंचाई ड्रिप के मशीन के माध्यम से करें।
मिट्टी चढ़ाना व पौधे को सहायता देना। टमाटर में फूल आने के समय पौधे में मिट्टी चढ़ाना एवं सहायता देना आवश्यक होता है। टमाटर की लंबी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहायता देने की आवश्यकता होती है। पौधे को सहायता देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फसल सड़ने की समस्या नहीं होती। सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन बाद बांस या लकड़ी के डंडे में विभिन्न ऊंचाइयों पर छेद करके तार बांधकर फिर पौधे को तार से सुतली बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टिकिंग कहा जाता है। तो ये थी टमाटर के खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताए हैं। तो इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, तथा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।